सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जीओ ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सेवक भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै को तू कद का ब्रह्म विष्ण सिरै तै अगणत तिनको मोह भया मन मद का चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया सबहू को तद का सेवक भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मन पर तख गुरु निसतारे जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ हित मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हमना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और नवाजी होई बड़े ही अदब सत्कार नाल सतगुरां दे पावन स्थान गुरद्वारा श्री बंगला साहिब विखे बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण महाराज जी दी पावन गोद विच सज करके और आपो अपने घरां विच बैठ के वख-वख टीवी चैनलां दे माध्यम राही इस पावन गुर दरबार दे नितनेम कथा कीर्तन दे नाल जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ सारे सर्व विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए कोई भी रसना वांझी ना रहे बड़े अदब सत्कार नाल सारियां संगतां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुकाउंदे होए मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी रहमत कीती है सतगुरां ने सुभागा समा गुरु चरणां विच जुड़ बैठण दा प्राप्त होया है। सतगुरां दे पावन दरबार दी नितनेम गुरबाणी दे कीर्तन गुरबाणी दी चल रही लड़ीवार कथा विचार नाल जुड़न दा सानू सुनहरी समा प्राप्त हो रहा है। सतगुरां दे पावन बचन ने साई घड़ी सुलखणी सहु नाल विहावै ओ घड़ियां सोभनीक ने सुलखणियां ने जिहड़ियां सतगुर दे नाल उस परमात्मा दी याद विच जुड़ के बतीत होंदियां ने। सतगुरां दे गुरसिख भाई नंद लाल जी वचन करदे उमर ओहा विच लेखे दे जो याद साईं च गुजरे पैंदी मुजरे नहीं तां सानू हासिल की है विच सनीले हुजरे सांझ दे फजरे। सतगुर सचे पातशाह दी बाणी नाल सेवा सिमरन नाल जुड़ के बतीत कीता होया समा साडा लेखे विच है। सरकारे कोले आलम हजूरे अनवर पातशाह बाणी गुरु शब्द गुरु गुरता गद्दी उपर सुभाए मान दस पातशाहियां दी आत्मक जोत
नाथां दे नाथ, पीरां दे पीर, वलियां दे वली, बाबियां दे बाबे, राजियां दे राजे, महाराजियां दे महाराजे, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, सर्व मनुखता दे सांझे रहबर, सर्व मानवता दे मार्गदर्शक, गुरुआं दे गुरु, महान सतगुरु, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन बाणी दे कथा और कीर्तन नाल जुड़न दा सुभाग समा, गुरमुख प्यारे रागी सिंह साहबाना दी रसना तो आप जी ने रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता। सतगुरां दे पावन वाक हन कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरे सगले कुलतारे, हर दरगह पात स्यों जायंदा। बहुत वड्डा महात्म है सतगुरां दे कीर्तन दा, सतगुर दी सिफत सलाह दा, सतगुर दी वड्याई दा, सब ते उदम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। कीर्तन और कथा दा बहुत वड्डा महात्म गुरदरबार विच सतगुरां ने दर्शाया। वह परमात्मा की सिफत सलाह दे नाल जुड़ के, उस वड्डे दियां वड्याईयां नाल जुड़ के साडे लोक परलोक दे दुख खत्म हो जांदे आ। सतगुर सच्चे पातशाह रहमत करदे आ, उस वाहिगुरु की सिफत सलाह दे नाल सानू वह दातां प्राप्त हो जांदियां जिहड़ियां होर किसी जतना दे द्वारा सानू प्राप्त नहीं हुंदियां। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, होर जने मर्जी पुनः आचरण कर लवे, मनुख दा पार उतारा नहीं, उस दात दी बख्शिश नहीं हुंदी। वेत दा भी सिधांत है, गुरमुख प्यारियो जत फल मनात सी, तपसा नह जोगे न समाधि न, तत फलम लभिया ते सम्यक कलु केशव कीर्तनात। वेद दा भी सिधांत है, वेद कहिंदा कि जेड़ा मनुख कलयुग दे अंदर बहुत सारी तपस्या करके जिस फल नूं प्राप्त नहीं कर सकदा, क्योंकि जदों मनुख इकला बैठ के तप करदा ते हंकार जिहड़ा वह गुरमुख प्यारियो ग्रस लैंदा कि मेरे वर्गा तपस्वी कोई नहीं, मैं बड़ा तप साध रहा, मैं बड़ा तपस्वी हाँ। वेद कहिंदा जिहड़ा फल तपस्या दे नाल तैनूं प्राप्त नहीं हो सकदा, योग साधनावां दे नाल प्राप्त नहीं हो सकता, भावें कि बड़े औखे कारज या तपस्या करनी कोई आम बात नहीं, बड़ी औखी बात है। योग साधनावां करनिया, हठ योग, कर्म योग, बड़ी औखी बात है। पर वेद कहिंदा जिहड़ा फल तैनू इन्हां चीज़ां नाल प्राप्त नहीं हुंदा, न समाधि, न समाधि लाउणी बहुत औखी बात है। समाधि दे खाट अंग छे अंग धर्म ग्रंथां विच कथन कीते है। समाधि ये नहीं कि अखां बंद कीतियां साध वेस पलाथी मार के बैठ गया तो समाधि लगी है। जदों समाधि बारे धर्म ग्रंथां विच पढ़दे हां तो समाधि दे खाट अंग, फिर जाके गुरमुख प्यारियो समाधि की बात चलती है। पर वेद कहिंदा जिहड़ा फल ना तो तैनूं तपस्या ना प्राप्त होवे, ना योग साधनावां दे नाल, ना तपस्या दे नाल तैनूं कलयुग दे अंदर प्राप्त होवे, तत् फलम लभिया ते समया कलु केशव कीर्तनास, ओही तैनूं ब्रह्म ज्ञान दा फल, आत्मक आनंद दा फल, आत्मा परमात्मा दे मिलाप दा फल जिहड़ा कलयुग दे अंदर वह वाहिगुरु की सिफत सलाह दे नाल जुड़ के बहुत जल्दी प्राप्त हो जांदा है। गज के आखो सतनाम। तत् फलम लभिया ते समयक, वह फल तैनूं बहुत जल्दी दे नाल प्राप्त हो जांदा है। सो सतगुर सच्चे पातशाह रहमतां कर रहे है, गुरदरबार दे अंदर कीर्तन दे प्रवाह, कथा दे प्रवाह चलदे, असी कथा कीर्तन दे नाल जुड़ के उस ब्रह्म ज्ञान दे फल नूं प्राप्त करना है, आत्मा परमात्मा दे मिलाप दे फल नूं प्राप्त करना है, जीवन दी सफलता दे फल नूं प्राप्त करना है। गुरु चरणां विच जुड़ के रोजाना जुड़दे हां, गुरदरबार दे विच वडभागी संगतां कम्मां काजां तों वेल पा के गुरु दे दुआरे चल के आउंदियां, सतगुर सच्चे पातशाह दे दर्शन ददारे करदियां, सिख संगतां दे दर्शन ददारे करके अपने धन भाग बनाउंदियां। बहुत सारियां संगतां घरां विच बैठ के ही इस पावन दरबार दे कथा कीर्तन दे नाल जुड़ के अपने वड्डे भाग बनाउंदियां ने। आओ गुरमुख प्यारियो, जिथे रोजाना असीं गुरु दरबार विच कथा सुनदे हां, गुरबाणी दा कीर्तन सुनदे हां, गुरबाणी दा नित नेम पढ़दे सुनदे हां,
अज गुरमुख प्यारियो होले महल्ले दा दिन भी सिख जगत दे अंदर मनाया जा रहा है। मैं अपने वालों अपनी समुची जथेबंदी वालों और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगतां नूं दुनिया भर विच वसदियां सिख संगतां नूं इस खालसाई जाहो जलाल दे दिन होले महल्ले दी लख लख मुबारक दिना कोट कोट मुबारक दिना जो सतगुर सचे पातशाह महाराज ने सानू होला महला बख्शिश कीता। जिवें सनातन मत दे अंदर साडे हिंदू वीर होली दा त्योहार मनाउंदे है, मुबारक है उहनां नूं गुरमुख प्यारे उहनां दा त्योहार। जिवें साडे मुसलमान वीर ईद मुबारक दा दिन मनाउंदे है, मुबारक है उहनां नूं ईद मुबारक दा दिन। पर जो सतगुर सचे पातशाह ने सानू त्योहार दिते है, जो सानू गुरमुख प्यारो ऐसियां बख्शिशां कीतियां खालसाई जाहो जलाल दा दिन होला महला, मैं इस दी भी लख लख मुबारक आप संगतां नूं दिंदा हां। लड़ीवार गुरबाणी दी कथा आप रोजाना सरवण करदे हो, आपां गुरबाणी दी कथा विचार नाल भी जुड़ना है, पर होले महल्ले बाबत भी मैं दो चार बचन आप संगतां नाल सांझे करने चाहुंदा। 1699 दी विसाखी आनंदपुर साहब दी धरती ते तखत श्री केसगढ़ साहब विखे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने उस अकाल पुरख की रजा विच हुक्म दे अंदर खालसा पंथ की सरजना की। आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ, उस वाहगुरु अकाल पुरख दे हुक्म अंदर पंथ साजिया साज के नवाजिया और सतगुर सच्चे पातशाह ने यह होले महल्ले का त्योहार जिहड़ा सी ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਰਣ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗੀ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਔਰ ਹੋਲਗੜ੍ਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਕਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰੋਪੋ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਉਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ,
सतगुर सचे पातशाह दे बचन असी पढ़दे सुनदे चूंकार अज हम हील ते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन बस मसीरे दस्त। सचे पातशाह महाराज कहिंदे जिस वेले सारे वकीलां अपीलां दलीलां दे दरवाजे बंद हो जान उस वेले तेरा हाथ तलवार ते जाना जायज है। हथियार उठा के फिर तू अपनी और दूसरियां दी रखिया करनी है। सतगुर सचे पातशाह दा इह सिधांत है। पहले मतां मतांतरां दे अंदर ऐसे सिधांत दी बात नहीं सी। इह सिख जगत दे अंदर सतगुर ने बख्शिश कीती है। पहले मतां मतांतरां दे ज्यादा सिधांत सन कि जे कोई सजे पासे चपेड़ मारदा ते खब्बा पासा मूहरे कर दिओ। सतगुर सचे पातशाह कहिंदे नहीं इहदे नाल बुझ दिलता डरपोकता कायरता आ जावेगी। इट दा जवाब पत्थर नाल देना चाहीदा क्योंकि दुश्मन मनदा नहीं इस तरीके दे नाल विरोधी मनदा नहीं है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह जिस वेले दखण दी धरती नूं जांदिआं दादू द्वारे रुके अज उत्थे गुरद्वारा चरण कमल साहब बहुत सुंदर स्थान बणिआ और कार सेवा वाले महापुरख उस स्थान दा निर्माण करा रहे सन बाबा सेवा सिंह खडूर साहब वाले। बड़े प्यार वाले गुरमुख जथेदार बूटा सिंह उत्थे सेवा करदे आ। संगतां इलाके दीआं भावें घट गिणती विच सिख संगतां ने दूदू दा इलाका नेड़े पैंदा पर संगतां उत्थे सेवा करदीआं और जयपुर तों दूर दराडिआं तों संगतां जांदीआं। पिछले समय सचखंड श्री हजूर साहब विखे दीवान सन और हैदराबाद दी धरती दे दीवान सन। असीं दर्शन दीदारे करन वास्ते गए ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤ ਜੈਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਿਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾਓ ਸਾਧੂਓ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵੈਸਣੋ ਸਾਧੂ ਸਨ ਦਾਦੂ ਦੁਆਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਲਕਾ ਲੀਜੈ ਭਾਏ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਈਟ ਢੇਮ ਲੀਜੈ ਸੀਸ ਚੜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦੇਣਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਭਣਵਾਨਸੀ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ। ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆਖਿਆ ਦਾਦੂ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਲਕਾ ਲੀਜੈ ਭਾਏ ਜੇ ਕੋ ਮਾਰੈ ਈਟ ਢੇਮ ਪਾਥਰ ਹਨ ਰਸਾਏ।
सतगुर सचे पातशाह कहिंदे भाई साडा ते सिधांत आ कि इट दा जवाब पत्थर नाल देना, इट दा जवाब पत्थर दे नाल। तां ही सतगुर ने शस्त्र धारी खालसा साजे आ। जदों शांतमई गुरमुख प्यारी शहादतां होईआं, गुरु अर्जन देव महाराज नूं तत्ती तवी ते जहांगीर बादशाह ने बिठाया, तां छेवें पातशाह ने मीरी पीरी दीआं तलवारां पहनीआं ते सरमौर तख्त सिख जगत दा श्री अकाल तख्त साहब दी सिरजना कीती। श्री अकाल तख्त महान है, सिख पंथ दी शान है। श्री अकाल तख्त साहब दी सिरजना कीती गुरु हरगोबिंद साहब सचे पातशाह ने। नौवें पातशाह दी शांतमई शहादत होई ते जदों भाई जैता जी ने जाके सारा जो वरतारा वरत्या दस्या, तां सतगुर सचे पातशाह ने आख्या फिर एहो जिहा सजाऊंगा जेड़ा लखां ते करोड़ां च खड़ा कला दिसेगा, ते नाले हुण शांतमई शहादतां दा समां नहीं। फिर सतगुर सचे पातशाह ने शस्त्र बख्शे, फिर उस खालसाई जाहो जलाल जो शस्त्र विद्या देनी उहनूं देखणा ते जिन्हें जौर दिखाउणे वधिया उहनां दा सन्मान करना, इह खालसाई होले महल्ले दा दिन। सतगुर ने शस्त्र धारी बनाया। मैं अक्सर बेनती करदा हुंना सतगुरु ने पंज ककारी वर्दी बख्शिश कीती है, पंज ककारां दी मर्यादा, ते उहनां पंज ककारां च इक कृपाण बख्शी है। अज असी शस्त्रां तों दूर हो रहे हां, कृपाण तों दूर हो रहे हां। बहुत मेरे वीर ऐसे आ जिहड़े जवाब देणगे जी हुण समां इकवीं सदी दा, हुण ते तोपां टैंकां दा जमाना, कृपाण किहड़ा हथियार रहा, कृपाण किहड़ा शस्त्र है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰ ਭੰਡੰਗ ਭੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾਂ ਕਰਨ ਦੁਰਮਤ ਦਰਨ ਕਿਲ ਵਿਖਾਰਨ ਅਸ ਸਰਨ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਨ ਮਾਮ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਨ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਪ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸਨ? ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਵਰਤਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਨ ਗਹੇ ਕਾਨ ਤਾਕੂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ ਇਹ ਮੋਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਾ ਦੇਹੋਂ ਦਿਦਾਰੇ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਮੰਗ ਜਿਤੇ ਅਸਤਰ ਭੇਅੰਗ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇਅੰਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਵਰੇ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਥੀ ਜ਼ਹਿ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਈਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨੀਏ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੀਣ ਮਨੁੱਖ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਸੰਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ।
और ये आन वास्ते लड़ मड़ मिटन वास्ते भी सतगुर सच्चे पातशाह दे कंसैप्ट दा सानू ये सारा कर दी है। मैं बेनती करा जे बचन भुल गए गुरुआं गुरु दे ता हालात जो होए तुहाडे सामने जो संताप असी पिछले समय अंदर हंडाया किसी विद्वान दियां दो लाइना सांझियां करा। विद्वान कहिंदा जेड़ी कौम अपने गुरु दा बचन मन्ने भविखे उहदा नहीं कदे वीरान हुंदा। महान गुरु दा बचन जो सदा मन्ने बंदा आप भी एक दिन महान हुंदा। बाजा वाले ने कहा शस्त्र कोल रखो, शस्त्र बाज है भेड़ इंसान हुंदा। शस्त्र धारी जे हर एक सिख हुंदा ता 84 विच ना इन्ना नुकसान हुंदा। अज के आखो सतना असी शस्त्र विछार दिते तां सानू दुख झलना पिया, नुकसान झलना पिया। ते मैनू दिल्ली दे सिख ही दसदे आ जिस पासे शस्त्रधारी सिख सन ਉਹ ਸਵਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਚਾਵ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਵ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਛਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਲਾ ਵੇਲੇ ਮਾਲਾ, ਤਲਵਾਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ। ਆਓ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਚਾਰੋ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੇ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ। ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 40 ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਨਕਲ ਹੀਰੋ, ਨਕਲੀ ਹੀਰੋ, ਨਕਲੀ ਹੀਰੋਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਆ, ਨਕਲ ਹੀਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਨਕਲੀ ਹੀਰੋਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 8-10 ਹੀ ਸਨ
कुछ ताज होटल च बड़ गए, कुछ नरीमन हाउस के अंदर कसाब ते उहदे साथी बेकसूर लोगों नूं गोलियां मार के मार दिता। यह किहो जिहा जहाद है, यह किहो जी लड़ाई है। मैं समझदा गुरमुख प्यारे ये सही नहीं, और हर जिहड़ा मनुखतावादी मानववादी मनुख आ उह समझेगा यह सही नहीं है। जो वरतारा उत्थे वरतिया, बेकसूर लोगों नूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता बॉम्बे की धरती ते। थोड़ी दूर सन उत्थे फिल्मी हीरों दे बंगले, किधर गए गुरमुख प्यारियो? अंदरों दरवाजे बंद कर ले उन्हां लोगों ने जिहड़े फिल्मां दे अंदर 100-100, 200-200 नूं गुरमुख प्यारियो भजाई फिरदे, कदे साल मार के ट्रेन ते चढ़ गए, कदे जहाज ते चढ़ गए, 100-100 बंदे नूं कुटदे आ, उन्हां नूं कुछ भी नहीं हुंदा। नकली है ना, नकल है सारा कुछ फिल्म दे अंदर, नकली हीरो। असीं उन्हां नूं अपने रोल मॉडल बना रहे हैं, जिन्हां दी जिद्दां दी उन्हां ने ड्रेस बनाई, जिद्दां दे उन्हां ने अपना वेशभूषा बनाई, उदां दे साडे नौजवान, जिद्दां दे उन्हां ने वालां दे स्टाइल बना ले साडे नौजवानां ने वेख्या ही नहीं कि गुरु कह रहा केस गुरु की मोहर आ। बिना शास्त्र केसंग ना देहो ददारे, केस साबत सूरत सिख बनाया सतगुर ने, साबत सूरत दस्तार सिरा। पर असीं नकली हीरवां नूं रोल मॉडल बना लिया, नकली हीरवां दीआं रीसां करन लग पए असल हीरवां नूं छड्ड के। किथे गए सानू नकली हीरो? गुरमुख प्यारियो दरवाजे बंद कर ले, अंदरों फिल्मां दीआं शूटिंगां कैंसल हो गईआं उहनां दीआं, अंदर सत रजाइआं दी तह च पए भिज्जी बिल्ली वांगू कंबदे सन। फिर आए साडे देश दे असली हीरो, फौजी जवान, सरहदां दी राखी करन वाले, देश दी राखी करन वाले, दुश्मनां तों देश दी मनुखता दी राखी करन वाले साडे फौजी जवान। जहाज़ राहीं उतरे गुरमुख प्यारे, हैलीकॉप्टर राहीं रस्से फड़ के नरीमन हाउस ते ताज होटल दे विच, ते उहनां ने गुरमुख प्यारे देश दे दुश्मनां नूं मार गिराया। उन्हां ने जाना तली ते रख के उत्थे, ओ है साडी जिंदगी दे हीरो, ओ है साडे असल हीरो, रोल मॉडल उन्हां दा जीवन साडे वास्ते। नकली हीरो ते अंदर पए कंबदे सन, कोई बाहर नहीं निकलिया। जिहड़ा देश दा सब तो वड्डा हीरो मन्निया जांदा, उहदी बाद विच इंटरव्यू आई, मैं भी पेपर ते पढ़ी, वह कहण लग्गिया जिद्दण दे कसाब हुणी बॉम्बे च आए आ डर लगन लग गया, मैं ते उदण दा सरहाणे पिस्टल रख के सौंदा, डर लगदा। फिल्मां दे अंदर 200-200 नूं बिना शस्त्रां तों ही नकल आ, फिल्मी हीरो। पर माफ करियो, सतगुरु ने सानू असल जिंदगी दे हीरो बनाया। ये होला महला भी असल हीरो बनाउण वास्ते शस्त्र विद्या दे जोर सतगुरु सच्चे पातशाह सिखाउंदे सन, फिर देखदे सन, इनाम बख्शदे सन। असीं जिंदगी दे असल हीरो बनना, ना कि नकली। और जिहड़े जिंद असल हीरो होए आ उन्हां नूं अपने प्रेरणा स्रोत बनाउणा। बाबा बंदा सिंह बहादुर, सरदार हरी सिंह नलूआ, उन्हां नूं अपनी जिंदगी दे हीरो। संत बाबा जरनैल सिंह, सरदार साम सिंह अटारी वर्गे, जिन्हां नूं पता सी मौत सामने आ, पर सिख राज दा आखरी थम मौत दी परवाह कीते बिना सभरावां दे मैदान विच जाके शहीद होया। पता सी डोगरे रल गए आ दुश्मन दे नाल, अंग्रेज दे नाल। उन्होंने कह भी दिता कि तेजा सिंह वर्गिया ने कि सरदारा जा अपनी हवेली च बह के अपना बुढ़ापा जिंदगी दा उत्थे कट ला, क्यों मरन वास्ते आ गया, तेनू पता होना चाहिदा असी अंग्रेजा नाल रल गए हैं। पर उन्हें आखिया मैं सिख राज दा खैर खवा हां, मैनू सब पता मौत सामने आ, पर मैं जंग दे मैदान विच जाके सिख राज नूं सलामत रखण लई अपने प्राणा की आहूति दे देंगा। सरदार साम सिंह अटारी एवें नहीं आख्या, इतिहासकार ने कादर यार जहान ते नाम रोशन, साम सिंह अटारी दे रहन वाला, ऐसे जिहड़े योधे होए आ गुरमुख प्यारियो भाई सुखा ते जिंदा वर्गे, वह साडे जीवन दे रोल मॉडल है, जिन्हां ने देश कौम धर्म खातर साडी खातर कुरबानियां कीतियां, फांसियां दे रस्से चुम्मे, जिन्हां ने चरखड़ियां ते चढ़ना कीता, आरियां नाल चीरे गए बंद बंद कटवाया, वह असल हीरो साडी जिंदगी दे रोल मॉडल है। तो सतगुरु ने सानू जिंदगी दे असल हीरो बनाया, भगती शक्ति बख्श के संत सिपाही बना के। अज सानू अपना जीवन ऐसा बनाउण दी लोड़ आ,
होले महले दा दिन सारे संसार विच मनाया जा रहा, तेनू केवल आपां रंग सुटन तक सीमित नहीं कर देना। ये साडे सनातन मत दे वीर होली मनाउंदे आ, उह रंग सिटन गुरमुख प्यारे एक दूजे ते, पर सतगुरु ने ते सानू शास्त्र विद्या दे जोर जंग दे मैदान विच जूझना। होला महला केवल रंग पा के गुरमुख प्यारे होला महला मनाउण दी गल नहीं, मनाया जांदा गुरमुख प्यारे होला महला। निहंग सिंह शस्त्रधारी फौजां महले चढ़दियां शस्त्रां दे जोर हुंदे आ, और सिख राज दे अंदर भी शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच साल विच एक दिन रखिया हुंदा सी, जिदन लाहौर दे शाही किले ते गुरमुख प्यारे संगतां इकत्तर हुंदियां, योधे सूरमे इकत्तर हुंदे, उत्थे योधियां दे जोर देखे जांदे, ते फिर सिख दरबार दे वल्लों उहनां नूं सन्मानित कीता जांदा, गुरु दी परंपरा नूं सुरजीत रखिया। ते आओ गुरमुख प्यारियो जो जिंदगी दे असल हीरो है, असी उहनां नूं रोल मॉडल बनाईए, ते जो सतगुरु ने शस्त्रधारी खालसा साजिया, अज उह शस्त्रधारी खालसा बनण दी लोड़ है। अज बुझदिलता ते डरपोकता कायरता आ रही है, उहनूं दूर करके जिवें उह शस्त्रधारी खालसे ने अबदाली वर्गियां नूं मसे रंगड़ वर्गियां नूं सोधिया। इतिहास तुहाडे सामणे आ, जथेदार बाबा सुखा सिंह, जथेदार बाबा महताब सिंह हरिमंदर दी बेअदबी करन वाले नूं शस्त्रां नाल सोधिया, सिर वढ के रंगड़ दा बीकानेर दे मारू थल विच लिजा के गुरु पंथ खालसे ने खिदो खूंडी खेडी। ते अज भी गुरमुख प्यारियो खालसा सब दा खैर खवाया, पर जेड़ा कोई सिखी दे गुरमुख प्यारियो जां खालसा पंथ दे नाल अड़दा, उन्हों उसे तरीके नाल खालसा झाड़दा आया, तो उन्होंने झड़ना है, क्योंकि अड़े सो झड़े सरन परे सो तरे। जेड़ा सरन परेगा वह तरेगा, जेड़ा अड़ेगा वह झड़ेगा। तुहाडे सामने सारा मौजूदा समय का भी वर्तारा, इस करके बेनती आओ गुरमुख प्यारे होले महले का दिन आ। सतगुरु ने सानू अमृतधारी बनाया, शस्त्रधारी बनाया, कलगीधर दे पुत्रो धीओ अमृतधारी बन के जियो, कलगीधर दे पुत्रो धीओ शस्त्रधारी बन के जियो। सानू सतगुरु ने होला महला दिता, होली साडे हिंदू वीरां दी उहनां नूं मुबारक कह दिओ, ईद मुबारक मुसलमान भरावां नूं कह दिओ, उहनां दा त्यौहार है, ते भाईचारक तौर ते असीं उहनां नूं गुरमुख प्यारे मुबारक कह सकदे हां। साडा धर्म कोई एडा संकोचवां नहीं, सौड़ा नहीं है कि जे किसी हिंदू वीर नूं होली मुबारक कह दिता ते इहदे नाल साडा धर्म जांदा रहा, जे किसी मुसलमान भरा नूं ईद मुबारक कह दिता ते असीं गुरमुख प्यारे अपने धर्म तों गुरमत तों परे हो गए, नहीं नहीं, साडा धर्म एडा संकोचवां नहीं, सौड़ा नहीं है। सतगुरु ने से सरबत दे भले दी गल कीती, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया कोई आलाए। इस करके उन्हां दे त्योहार उन्हां दे दिन उन्हां नूं मुबारक भाईचारक तौर ते असीं कह सकदे हां, पर जिहड़े दिन त्योहार सानू साडे सतगुरु ने दिते, अज लोड है असीं उन्हां मर्यादावां परंपरावां दा पालन करिए। ये ना कहीए अज इकवीं सदी अज कृपाण दा जमाना नहीं, तोपां टैंकां साल्टां ते संतालियां दा जमाना नहीं, नहीं, जो सतगुरु ने सानू शस्त्र बख्शे आ। गुरमुख प्यारियो अस कृपाण खंडो खड़ग तुबक तबरे अर तीर, सैभ सरोही सहथी जह हमारे वीर। इन्हां शस्त्रां दे नाल ही पंथ खालसे ने दिल्ली फतेह की, जथेदार बाबा बघेल सिंह की अगवाई विच, ते ओह पंथ खालसा शस्त्रधारी जिन्हों पुछया कि दिल्ली फतेह कारण बाबत, ते खालसे ने आखिया दिल्ली दा की है, जिहो जी बिल्ली मार ली उहो जी दिल्ली मार ली। ओ शस्त्रधारी खालसा त्यार बर त्यार बाणी बाणे दा धारनी सुआओ, होले महले दा दिन आप सब नूं मुबारक है। असी शस्त्रधारी बणीए जो गुरुआं ने सानू परंपरावां दित्तियां मर्यादावां दित्तियां, उहनां दा पालन करके जिंदगी दे असल हीरो बणीए, ना कि नकली हीरो। ये सारा कुछ नकल है, वह साडे रोल मॉडल नहीं, वह साडे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, जिन्हां ने असल जिंदगी जीवी है। गुरमुख प्यारे जो जिंदगी दे असल हीरो है, असी उहनां नूं अपने प्रेरणा स्रोत बनाउणा सुआओ। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो जो होले महले बाबत, और सतगुर सच्चे पातशाह जी जो लड़ीवार विचार चल रही है,
आओ उस शब्द के विचार वल वधीए। सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों आप जी ने पाठ शरवण कीता, गुरु अमरदास सचे पातशाह महाराज के मुखारबिंद तो उचारण की हुई है पावन बाणी बिलावल राग विच है, ते सतगुर सचे पातशाह जो बख्शिश कर रहे हैं। आओ विचार वल वधीए, मनोबिरतियां एकाग्रचित करके सारे ध्यान नाल गुरबाणी की कथा विच ध्यान देईए, और मनोबिरतियां की एकाग्रता लई सारिया संगतां मिलके उचारण करो सतनाम श्री वाहे, सारे सामल वो सतनाम श्री वाहे। सलोक महला तीजा, अंदर कपट सदा दुख है, मन मुख ध्यान ना लागे। गुरु अमरदास सचे पातशाह महाराज निमाणियां दे मान नतावियां नथाणियां दे थाम नताणियां दे ताण बचन करदे आ भाई, जिन्हां मनुखां दे अंदर कपट भरिया होया, कपट दे अंदर दुख दे विच ही उहनां दा जे जीवन बतीत हुंदा, ते उहनां दा मन मुख ध्यान ना लागे, उह परमात्मा वाले पासे ध्यान नहीं जुड़दा। जिन्ना चिर मनुख अंदरों कपट नहीं कढ़दा, परमात्मा नाल जुड़ना बहुत मुश्किल बात है। सतगुर दे दर नाल जुड़ के अंदरों कपट कढ़ना, कपट ते विकार नूं अंदरों कढ़ना सेवा ते सिमरन दे नाल, जिवें बर्तना नूं मांजीदा सेवा सिमरन करके अपने मन नूं मांजना, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह, खनली धोती उजली ना हो वही जे सौ धोवन पाहु, गुरमुख प्यारे। इस करके आओ सतगुर सचे पातशाह बचन कर दे, जिन्हां मन मुखां दे अंदर कपट है वह दुख दे विच जीवन बतीत कर दे, ते उन्हां दा परमात्मा दी बंदगी भगती वाले पासे धर्म कर्म वाले पासे उस परमात्मा नाल ध्यान नहीं लगता। दुख विच कार कमावणी, दुख वरतै दुख आगै। सतगुर बचन कर दे भाई, उन्हां दा सारा कर्म जिहड़ा किरिया कर्म वह दुख दे अंदर वह दुख विच ही कार कमाउंदे आ, उन्हां दा ध्यान नहीं। वह कलेशां दे नाल जुड़ के जिस तरह कार विहार करदे दुखी हो के, ते दुखां दे विच ही जीवन लग जांदा, ते अगां भी उन्हां वास्ते दुखी है, पर लोक दे अंदर भी सुख नहीं। दुख वरतै दुख आगै, अगां भी उन्हां वास्ते दुख है। अंदरों कपट नूं कढ़ना, खेड़े विच लियाउणा, ते खेड़ा सतगुर दी सेवा नाल आउणा, अंदर दा खेड़ा सतगुर दी बाणी नाल आउणा। दुनियावी तौर ते मनुख भावें फाइनैंशली किड्डा स्ट्रोंग होवे गुरमुख प्यारियो, पर उहदे अंदर दा खेड़ा सतगुर दी बाणी बिना नहीं आउंदा, सतगुर दी सेवा बिना नहीं आउंदा। वड्डे वड्डे जो दीसें लोग, तिन को व्यापै चिंता रोग, कौन वड्डा माया वड्याई, नहीं सतगुर कहिंदे सोई वड्डा जिन राम लिव लाई। जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया उही वड्डा, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्ब के राजे, प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान। उन्हां दा ही गुरमुख प्यारे मान सन्मान, ते उही दरगाह च प्रवान, ते उन्हां दे अंदर खेड़ा आ, उन्हां दे अंदर ही खुशी आ। दुनियावी तौर ते मनुख भावें किड्डा स्ट्रोंग है फाइनैंशली तौर ते कारोबार वाले पासे तो, पर जे परमात्मा दा नाम नहीं अंदर, सेवा ते सिमरन नहीं है, फिर अंदर शांत नहीं है, शांति नहीं है, दुखां दे अंदर ही गुरमुख प्यारे विचरदा। करमी सतगुर भेटी है ता सच नाम लिव लागै, फिर सतगुर बचन करदे आ भाई चंगे कर्मां द्वारा। जदों पूरे सतगुर दा मिलाप हुंदा, जदों मनुख गुरु दे चरणां नाल जुड़दा समर्पित हो जांदा, तां सच नाम लिव लागै, सच्चे नाम नाल परमात्मा नाल जुड़ जांदा, उहदी लिव लग जांदी है। जां सच्चे नाम नाल जदों गुरमुख प्यारियो बंदा जुड़दा, ते उहदे अंदरों कपट जिहड़ा गुरमुख प्यारियो दुख विकार सारा कुछ दूर हो जांदा है। पूरे सतगुर दा मिलाप, करमी सतगुर भेटी है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगट है, भेटियो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। नानक सहजे सुख होए, अंदर हो भ्रम भौ भागै, ते जदों मनुख सेवा सिमरन नाल जुड़ जांदा है, वह परमात्मा की बंदगी नाल जुड़ जांदा है। ते गुरु अमरदास नानक नाम की मोहर लगा के बचन कर दे भाई सहजे सुख होए, उस मनुख नूं सहज अवस्था की प्राप्ति हुंदी है, उस मनुख नूं सुखां की प्राप्ति हुंदी है। सुख ना ही बहुता धन खाटे, सुख ना ही पेखे निरत नाटे,
इन्हां चीजां विच सुख नहीं है। सुख ना ही बहु देश कमाए, सुख किथे है? सर्व सुखा हर हर गुण गाए, आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया। आनंद सुख ते पूरे सतगुर दे चरना सतगुर दे सेवा सिमरन विच है। ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे नाम दी मोहर लगा गुरु अमरदास बचन कर रहे है, भाई नानक सहजे सुख होए। उस सतगुर की कृपा दे द्वारा सहज सुख की प्राप्ति होंदी है, जेडे नाम नाल जुड़ जाते हैं पूरे सतगुर की शरण आके, फिर अंदर वह भ्रम पौ भग है, फिर उन्होंने अंदरों भरमां का नाश हो जाता है, भौ का डर का नाश हो जाता है। जिन्ना चिर पूरे गुरु का मिलाप नहीं है, मनुख के अंदर बहुत तरह का भय बनिया रहा, भरम बने रेंदे है, पर जिहड़ा निरभौ नाल जुड़ जाता है निरभौ हो जाता है, निरवैर नाल जुड़ के निरवैर हो जाता है। तो सतगुर की बाणी के वचन है, निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जिहड़ा निरभौ नूं जपदा फिर उसके सारे डर भय खत्म हो जाते हैं, उहदे अंदरों भ्रम भौ दूर भग है, भ्रम भौ दूर भज जाते हैं, भ्रम गया समुद्रों पार। उन्हां दा भरम जिहड़ा गुरमुख प्यार उन्हां दा खेड़ा छड़ दिंदा। ते जिहड़ा मनुख पूरे गुरु की शरण नहीं हो वहमां भरमां च भटकिया रहिंदा, कदे मड़ी ते दीवा बाल दिता, कदे कबर ते चादर चढ़ा दिती, किसे पखंडी दे खुरड़ियां च जा सिर रखिया, भरमां च भटकदा रहिंदा, वहमां च भटकदा रहिंदा। पर जदों पूरे गुरु की सतगुर की शरण आ जाता, सेवा सिमरन च जुड़ जाता, फिर अंदरों भ्रम भौ भग है, उहदे अंदरों फिर गुरमुख प्यारे भ्रम भौ दूर भज जाता। सो सतगुर अगे वचन कर रहे, महला तीजा, गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाउ मन भाया। ते जेड़े गुरमुख है हरी नाम विच रंगे रहिंदे, जिन्हां नूं हरी परमात्मा का नाम पाउंदा है, परमात्मा दे नाम बिना दूजी गल नहीं सतपुरखां गुरमुखां दे कोल। संत बाबा आदर सिंह मस्तू आने वाले, संत बाबा नंद सिंह कलेरां वाले, भाई मंझ भाई गोंदे वर्गे, संत सुंदर सिंह खालसा भिंडरां वाले, संत बाबा ज्वाला सिंह हरखोवाल वाले, संत बाबा ईसर सिंह राड़े वाले, ऐसे महापुरख गुरमुख जिहड़े साधु होए आ गुरमुख प्यारियो, उह सदा हर रंग है, उह सदा परमात्मा दे रंग विच रंगे रहिंदे आ। ते हर का नाउ मन भाया, हरी परमात्मा दा नाउ उन्हां नूं मन भाउंदा। गुरमुख वेखण बोलण नाम जपत सुख पाया, ते ओ गुरमुख जिहड़े सदा ही ओ परमात्मा नूं ही पसरिया वेखदे आ, परमात्मा दे गुण बोलदे आ, ते नाम जपत सुख पाया, ओह वेखदे आ कि इहो वे संसार तुम जो देखदे हो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, इस अवस्था दे मालक बन जांदे आ। ते नाम जप के ही सुखां दी प्राप्ति हुंदी, नाम जपत सुख पाया। परमात्मा दा नाम जप बंदगी करके उस अल्लाह राम वाहिगुरु खुदा नूं जपदिआं ही मनुख सुखां नूं प्राप्त हो जांदा। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अग्ञान अंधेर चुकाया। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह बचन करदे, भाई जिहड़े गुरमुख बन गए हन गुरु की शरण आ गए, उन्होंने हिरदे च फिर ज्ञान परगासिया, गुरु का ज्ञान उन्होंने अंदर प्रगट हो जाता है। ते तिमर अग्ञान अंधेर चुकाया, तिमर नाम है हनेरे दा, फिर अग्ञानता दा हनेरा जिहड़ा उन्हां दा दूर हो जाता जिहड़े गुरु के ज्ञान नूं प्राप्त कर लेंदे है। सो सतगुर सच्चे पातशाह दे रहिंदे शब्द की विचार कल दे दीवान विच सरवण करांगे। तीन दिन की हाजरी, दो दिन की अज हाजरी हो गई है, गुरु कृपा करे कल दे दीवान दे अंदर रहिंदे शब्द दे विचार सरवण करांगे। सतगुरां ने जो बचन बख्शे है, गुरमुख ताई दा जीवन के मनमुख ताई छड़ के गुरमुख बन जा, ते गुरु वाला बन जावेगा, जिंदगी चो अज्ञानता दा हनेरा खत्म हो जावेगा, लोक सुखिया ते परलोक सुहेला हो जावेगा। गुर कहिया साकार कमावो, गुरु दे कहे अनुसार अपना जीवन कर ला, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहो डूबे सियाने। आओ गुरमत नूं ग्रहण करिए, मन मत तो वहमां भरमां पखंडां तो दूर होके अपने जीवन की सफलता लईए। सो गुरमुख प्यारे, इन्हां विचारां दे नाल ही आप संगतां तो भुलां चुकां दी खिमा मंगदे हां। होले महल्ले बाबत कुछ विचारां सांझियां कीतियां ने, और अज जो विशेष तौर पर दिल्ली दियां सिख संगतां वल्लों गुरद्वारा दमदमा साहब विखे हुण उत्थे गुरमुख प्यारे आरंभ हो चुके हैं।
ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 9:30 ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਔਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਆ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 84 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।